हिम्मत है ये कंपनियां लग के लिया अज तुहानू सद्या नौकरियां देने वास्ते बैठे नौकरी देना सब तो दसवीं या प्लस टू अजकल कोई पढ़ाई ग्रीन नहीं है नौकरी का जो इंजीनियर ने उन्होंने देनी मुश्किल होनी पी है पर साड़ी जिम्मेवारी हो सरकार की जिम्मेवारी हो असा अपना फर्ज निभा असा कोशिश करनी है बच्चे बच्चिया कोई ना कोई नौकरी देने का उपराला करना है जरा सरकार ने इतने किया देखो लोगों बाहर का बड़ा चा नौजवानों बाहर जाने का बड़ा चा साढ़े घर जो मैं 100 बंदा मिलना तो 20 बंदे आते ने कहते जी सामान ठगी मारती है साढ़े पैसे वापस करा दो। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं मेरा नाम जी अमरदीप सिंह आ ते सो मैं ते वीरे अपनी जॉब लई इक लई आया वां कि मतलब सदी असीं स्टडी करके हटिया जी मैं ते मैं सोचा सीगा कि इत्थे हुण मेला लगा होया रोज़गार दा ते इत्थे वक्खो वक्खरीआं ओपरचुनिटीज़ मिलीआं ने जिथे कि मतलब आपां नूं जॉब मिल सकदी आ सो मैं भी जॉब की भाल कर रहा सीगा इस करके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लैके इत्थे पहुंचा होया वां कि मैं अपने किसी जिहड़ी मैनूं एक वधिया करियर स्टार्टिंग लई जॉब मिल सके उस जॉब लई मैं अपलाई कर सकां इत्थे। सर मेरी क्वालिफिकेशन BSc इकोनॉमिक्स एंड उस तो बाद PGDCA है। हाँ जी हाँ जी सर मैं एक CSE दे विच हुण इत्थे अप्लाई करके हटिया वा CSE दे विच सर इवें है कि उहदे अपना गवर्नमेंट दे नाल टाई अप हो जांदा वक्री वक्री सर्विस दे नाल जिवें कि मतलब अज कल हुण पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक दीआं कुछ सर्विसिज ने जिवें कि DGPay इहदे विच मैनूं सारा कुछ दस्सिया गया अपने इत्थों दे जिहड़े सीनियर आए हुए ने CSE दे सो सर इस वास्ते मैं एक VLE बन सकता वा जो कि विलेज लैवल एंटरप्रेन्योर आ जो कि पिंड दे पद्धर ते एक उद्योगपति दे तौर ते काम कर सकदा है। सर इहदे विच 6 to 7 हज़ार तक दा स्टार्टिंग सैलरी आ बाकी जो आप जिन्ना भी काम करांगे उस दे हिसाब नाल आपां नूं कमीशन बेस मिलेगा। हाँ जी सर नहीं इंज है तो नहीं है बट मैं ये सोचता वा कि अपना करियर स्टार्ट करने तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि असं किन्ने मतलब काम करने योग हो गए हैं जे आप मतलब कोई स्टार्टिंग करा कोई एक्सपीरियंस बनेगा तो फिर ही आप अगे की नवी पौड़ी चढ़ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी सर दस्या तो जाता है बाकी हूँ इवें कि हूँ तुम सारे तुम्हें पता ही है कि सरकारी नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही है जी सो हर कोई अपना जिवें जी रोज़गार चलाने लिए या अपना ढिड पालन लिए कोई प्राइवेट काम ही लभ रहा है कि चलो कुछ जिन्ना चिर कुछ होर नहीं काम पाता उन्ना चिर इस काम तो स्टार्टिंग की जा सकती। हाँ जी कुछ लोगों सर फायदा भी होएगा तो कुछ चलो होया भी है जिन्होंने निराशा भी होएगी इतने आके वो तो सर अपने नैगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट से डिपेंड करता है। सर असी मेनली साडा जिहड़ा पर्पस असी आफ्टर टेंथ प्लस टू मतलब जो बंदा जो एक कैंडीडेट आ निकलता है बाहर उन्होंने पता नहीं हुंदा असी की करिए ठीक है उहदे लई असी एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिंदे आ जिहदे थ्रू अपना मतलब करियर जिहड़ा स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है साडे विच असी मेनली इंश्योरेंस नाल डील कर साडी कंपनी मेनली इंश्योरेंस नाल डील करदी आ ते जिस जिथों अपना करियर नूं स्टार्ट करके अगे फ्यूचर में गांव बुलंदी तक लेके जा सकते हैं जी। एक्सक्यूज मी सैलरी सर मेनली साडा जिहड़ा जो मतलब साडी कंपनी आ कमीशन बेस से जो भी अपना काम करनगे उसका एक प्रॉपर कमीशन होएगा इस तो इलावा उन्होंने रिवार्ड पॉइंट्स उन्होंने मिलते हैं जो कि 6000 तो स्टार्ट होंगे है रिवार्ड पॉइंट्स होंगे है जो 6000 तो स्टार्ट होंगे है जेकर वो प्रॉपर दिता असाइन दिता टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उन्होंने वो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं नाल उन्होंने जिहड़ा कमीशन जो भी काम करेंगे वो उन्होंने दिता जाएगा मतलब एक इहोजा प्लेटफॉर्म है जितों कि एक अज का युवा जो अपनी मतलब 10th+2 कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलता है उन्होंने कुछ पता नहीं होंगे जी किधर नूं जाइए की करिए ये इन्हां लई बहुत वधिया प्लेटफॉर्म है जितों वो स्टार्टअप करके अपना अगे जा सकते हैं जी।
बिल्कुल जी, सैलरी असी देंदे पए आ सर। एक्चुअली सर मैं तुम दस दें, जो 10th प्लस टू जो स्टार्टिंग सैलरी जी है वो आप 6000 देने पे, 6000 तो स्टार्ट हो गए, प्लस उन्होंने जो भी नैट कमीशन होएगा वो ठीक है। इस तो अलावा ग्रेजुएट परसन जेकर साडे डील करता उसके लिए साडा अलग मतलब करियर प्रोग्राम हैगा, FCCB करियर प्रोग्राम है, जिद अपना मतलब जो उन्होंने असाइन टारगेट जो कंप्लीट करते हैं तो उन्होंने एक चंगे अहदे से आप लगाने जिस ना उन्होंने सैलरी उस तो हाइक होंगी है 15 से 16 हज़ार तक वो सैलरी ले सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी, एक्चुअली सर जिस तरह की तुम देख रहे हो इतने बहुत सारा रश है, इन्ना बंदे नू इन्ना मतलब डील करन दे लई असी इत्थे हैगे आ, बाकी जो साडे सीनियर्स ने एक असी प्रॉपर डेट दित्ती होई इन्हां नू 5 तरीक नू असी इन्हां नू बुला रहे हैं, उत्थे आणगे इन्हां दी काउंसलिंग होएगी, इन्हां नू प्रॉपर सारा समझाया दित्ता जाए क्योंकि इन्ने रश विच इन्हां नू आपां समझावांगे कोई किसे दे गल पल्ले पैगी किसे दे पल्ले नहीं पैगी, उत्थे आणगे उन्हां नू प्रॉपर डीलिंग होएगी, काउंसलिंग होएगी, बिठावांगे समझावांगे तां करके उन्हां नू प्रॉपर गाइड करांगे उत्थे किस तरह काम करना, डॉक्यूमेंट चैक किए जा रहे, काउंसलिंग की जा रही, उन्होंने समझाया जा रहा कि एक्चुअली चीज़ की है कि तुसी अपना किदा तुसी एक काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, एक कैप्टन साहब की जिहड़ी पॉलिसी सी घर घर नौकरी उहदे तहत साडे नौजवान MLA साहब सुखपाल सिंह भुल्लर ने इत्थे मेला लाया, मैं उत्थे मेले ते आया इन्हां दे सदे ते, ते ओ जिहड़े बच्चे सिलेक्ट होए ने उहनां नूं नौकरियां दित्तियां जा रहियां ने। पंचायती चोणा जुलाई च होणगियां, उहदे वेला होणगियां वेले सर कोई गल, हाँ जी हाँ जी। नौकरी वाले हाँ पहला पहला दो फिर तीन भी लवांगे जिन्ने लोड़ होगी उन्हें लवांगे, पूरी गिनती नहीं पर मिली है, हर मेले च हर जिले च लगन दिया ने, कोई नौकरी देना साडा ड्यूटी है वो ड्यूटी भुगतावांगे। पत्रकार भाईचारे तो सरकार डरती फिर जो आखोगे अं करा, जो आखोगे तुम दसो की तुहाडियां मंगां ने, मैनू पूरा मेरा महकमा नहीं मेरा सबजैक्ट नहीं, पर जिहड़ी कोई वाजब गल होगी करांगे ऐसी गल कोई।